नमस्कार दोस्तों, मिलेनियर मास्टर के भाग तीन में आपका स्वागत है। हम वहीं से शुरू करेंगे जहां भाग दो में हमने छोड़ा था। सवाल ये है कि क्या गिरीश जी गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर बनकर गुप्ता एंड सन्स की तरह एक होलसेलर जैसा बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? क्या गिरीश जी गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर बनकर अपना 1,00,000 रुपए महीने कमाने का ख्वाब पूरा कर सकते हैं? तो उत्तर है, बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। अब अगला सवाल यह है कि गिरीश जी को बतौर गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर करना क्या पड़ेगा? गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद गिरीश और संगीता को सबसे पहले ग्लेज के सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम अटेंड करने चाहिए। ग्लेज कंपनी कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को अटेंड करने पर गिरीश और संगीता को कंपनी के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, जैसे कि गैल्वे बिजनेस प्लान। इसमें कंपनी के इंसेंटिव प्लान के बारे में जानकारी मिलेगी। गैल्वे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, इसमें कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, चाहे वो फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, होम केयर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर है, या फिर कृषि से संबंधित प्रोडक्ट है। इसके अलावा है बिजनेस ट्रेनिंग। बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे कि पावर शॉप ट्रेनिंग, लिस्ट कैसे बनाते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, प्लान कैसे देना है, और बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है। बिजनेस प्रेजेंटेशन में भी तीन तरह की बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है, 1-to-1 हाउस बिजनेस प्रेजेंटेशन, मेगा बिजनेस प्रेजेंटेशन, हाउ टू रन पावर हाउस। इसके अलावा कंपनी ई टूल्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, यानी कि कंपनी की वेबसाइट की ट्रेनिंग। कंपनी के पास तीन मोबाइल ऐप हैं, बिजनेस ऐप, ट्रेनिंग ऐप और गैल्वे कार्ट ऐप, तीनों की ट्रेनिंग। कस्टमर केयर ट्रेनिंग, यानी कि आपको कंपनी के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से किस प्रकार की फैसिलिटीज मिलती हैं। तो इस तरह से कंपनी कई तरह के ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाती है। गिरीश और संगीता को कंपनी, बिजनेस और प्रोडक्ट पर 100% भरोसा आए, इसके लिए उन्हें सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए। बिजनेस में सफलता के लिए सबसे पहले अगर कुछ चाहिए तो वह है बिजनेस में आपका भरोसा। जब बिजनेस में भरोसा आएगा तभी गिरीश और संगीता इस बिजनेस को पूरे कमिटमेंट के साथ और पूरी सीरियसनेस के साथ करेंगे और तभी सफलता सुनिश्चित होगी। ट्रेनिंग लेने के बाद अब गिरीश और संगीता को क्या करना है? ट्रेनिंग लेने के बाद गिरीश और संगीता को गैल्वे बिजनेस का ये काम अपने घर से शुरू करना है। अपने घर पर ही एक छोटी सी टेबल शॉप खोलनी है। इसके लिए गिरीश और संगीता अपने घर में जिस कमरे में गेस्ट को बिठाते हैं वहां किसी कॉर्नर में एक छोटा सा टेबल लगाएं और इस टेबल पर एक साफ कपड़ा डालें और इसके ऊपर एक पेपर बोर्ड लगाएं जिस पर लिखें गैल्वे ड्रीम कॉर्नर। क्यों लिखें गैल्वे ड्रीम कॉर्नर? क्योंकि यही आपके सपनों का कॉर्नर है जो आपके सपनों को पूरा करेगा। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको मेरी ये राय पसंद आए तो आप इसे जरूर रख लीजिएगा, नहीं पसंद आए तो ये कोई बिजनेस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, ये प्योरली मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मेरा ये मानना है कि हम जब कोई बहुत बड़ा काम शुरू करते हैं, ऐसा काम जिसमें हमारे सारे सपने पूरे करने की ताकत है, उसमें हमें अपने ईश्वर को अपने साथ रखकर काम करना चाहिए। आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी ईश्वर की पूजा करते हो, आपको उसका आशीर्वाद लेकर काम शुरू करना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद माता वैष्णो देवी की पूजा करता हूं। आज से 21 साल पहले जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैं दिल्ली में स्थित झंडे वाला मंदिर गया था। मैंने माता जी से प्रार्थना की थी, मैंने उनसे आशीर्वाद लेकर काम शुरू किया था। मैंने माता जी से प्रार्थना की, हे माँ, आप मुझे सद्बुद्धि देना कि मुझसे कोई गलत काम ना हो और मैं हमेशा आपकी आज्ञा में रहूं, आपका सेवक बन के रहूं, मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करूं, मेरा कस्टमर हमेशा मुझसे संतुष्ट रहे और मुझे दुआएं दे, मेरे घर में जो कमाई आए वो नेक कमाई आए, कोई गलत पैसा या बददुआ वाला पैसा मेरे घर ना आए, मुझे सफलता की राह दिखाना माँ,
मेरी अंतरात्मा में बैठकर मुझसे सही फैसले करवाना, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा में हूं। इस प्रार्थना के साथ आज से 21 साल पहले दोस्तों मैंने ये काम शुरू किया था और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मेरी हमेशा से दो अपलाइन रही, एक जो मेरी भौतिक अपलाइन है और एक माताजी। जब भी मैं कोई कार्य करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं या मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या फैसला लेना चाहिए, तो उस समय मैं एक सिक्के को अपने और माताजी के बीच में माध्यम बना लेता हूं और माध्यम बनाकर उस सिक्के को उछालता हूं और माताजी से आज्ञा लेता हूं और जो भी उनका आदेश आता है मैं उसका पालन करता हूं। यकीन मानिए दोस्तों, आज तक कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया जिस पर मुझे पछतावा हुआ। ये काम आप पर्ची डालकर भी कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं दोस्तों, ये मेरी सिर्फ पर्सनल राय है, मैं ऐसा करता हूं, ये ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है, ये टोटल आपका पर्सनल मैटर है। मैं जानता हूं कुछ लोग इन बातों में विश्वास नहीं रखते, मैं उनकी भावनाओं का भी आदर करता हूं, वे इस बात को छोड़कर ट्रेनिंग के बाकी हिस्से पर ध्यान दे सकते हैं। गैल्वे ड्रीम कॉर्नर आपकी छोटी सी गैल्वे प्रोडक्ट की टेबल शॉप है, जहां आप बहुत थोड़े से गैल्वे प्रोडक्ट के स्टॉक से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। गैल्वे ड्रीम कॉर्नर की इस टेबल पर आपको क्या क्या रखना है मैं वो आपको बताता हूं। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उसकी तस्वीर या चिन्ह सबसे पहले इस टेबल पर स्थापित करें और उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद इस टेबल पर गैल्वे प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगाएं, एक स्टॉक रजिस्टर रखें, एक गल्ला या गुल्लक रखें और एक पेन पेपर रखें। ये आपकी एक छोटी सी रिटेल शॉप तैयार हो गई। हमने एक छोटी सी प्यारी सी दुकान अपने घर पे खोल ली है जिसका नाम है गैल्वे ड्रीम कॉर्नर। अब अगला सवाल है कि हमें इस दुकान पर कितना स्टॉक रखना चाहिए। गैल्वे बिजनेस की ये खूबी है कि आप थोड़े से स्टॉक से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा स्टॉक आपको नहीं खरीदना है, आप सिर्फ 10-12 हजार रुपए के स्टॉक से भी अपनी दुकान शुरू कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि दुकान चलेगी कैसे, हम इन प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे और इतनी छोटी सी दुकान से भला होगा क्या, कैसे हम इस छोटी सी दुकान से 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। इस दुकान को गिरीश जी और उनकी पत्नी मिलकर चलाएंगे। गिरीश जी को अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। गिरीश और संगीता को सिर्फ एक वादा करना है कि वो 2 से 3 घंटे रोज इस बिजनेस को पूरे कमिटमेंट के साथ देंगे। अगर गिरीश और संगीता सिर्फ 3 साल तक कमिटेड होकर मन लगाकर मेहनत करेंगे तो ये गैल्वे ड्रीम कॉर्नर उनके सारे सपने पूरे करने की ताकत रखता है। देखते हैं कैसे मुमकिन है। सबसे पहले हमें गैल्वे ड्रीम कॉर्नर को चलाना है और हमें इससे ज्यादा नहीं सिर्फ 10 हजार रुपए महीने का बिजनेस करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गैल्वे ड्रीम कॉर्नर को हम अपनी पावर शॉप कहेंगे। क्या हम अपने गैल्वे ड्रीम कॉर्नर से हर महीने 10 हजार रुपए के प्रोडक्ट बेच सकते हैं? तो उत्तर है बिल्कुल बेच सकते हैं। अगला सवाल, उसके लिए हमें करना क्या होगा? क्या गिरीश जी और संगीता को घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने हैं? क्या लोगों को गैल्वे प्रोडक्ट के लिए कन्विंस करना है? नहीं दोस्तों, गिरीश और संगीता को ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर करना क्या है तो चलिए वो समझते हैं। हमारा लक्ष्य है 10 हजार रुपए महीने का बिजनेस। आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि हमारी दुकान का पहला कस्टमर कौन होगा? हमारी दुकान का पहला कस्टमर हम खुद होंगे। सबसे पहले हमें अपनी शॉप बदलनी है। अगर हमारे घर में इस्तेमाल होने वाला कोई भी प्रोडक्ट गैल्वे के पास है तो आज से हमें सिर्फ गैल्वे प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना है। आप देखेंगे कि हर महीने लगभग 3 हजार रुपए के प्रोडक्ट हम बाजार से खरीद कर लाते हैं और वो सारे प्रोडक्ट गैल्वे स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके पड़ोसी अपनी पुरानी शॉप बदल कर आपके गैल्वे ड्रीम कॉर्नर से प्रोडक्ट खरीदें, तो सबसे पहले ये काम हमें खुद करना पड़ेगा।
सोचिए अगर वो आपके घर आए और उन्हें हर जगह दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स दिखाई दें, तो वो आपके गैल्वे ड्रीम कॉर्नर के बारे में क्या राय रखेंगे, वो आपके बारे में क्या राय रखेंगे? ये खुद तो प्रोडक्ट यूज करता नहीं है, हमको बोल रहा है शॉप चेंज करने को। तो हमारी दुकान का सबसे पहला कस्टमर कौन होगा? हम खुद। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कम से कम 3,000 रुपए के प्रोडक्ट हम अपनी गैल्वे शॉप से खरीदेंगे। तो बाकी 7,000 रुपए के लक्ष्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, हम सब लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, और जैसा कि आपको बताया गया था कि हम सबको कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, और इस लिस्ट को लेकर जब हम अपनी अपलाइन के साथ बैठेंगे तो वो इसमें से लगभग 20 लोगों के नाम छाटेंगे। इन 20 लोगों को आप एक एक करके अपनी अपलाइन से मिलवाएंगे और वो इनको बिजनेस प्रेजेंटेशन देगी। जब 20 लोगों को हम बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं तो क्या 20 के 20 लोग बिजनेस करना चाहेंगे? नहीं। हमारे यहाँ औसतन अगर 20 गेस्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन देखते हैं तो सिर्फ 50% लोग, यानी कि 10 लोग बिजनेस करने में उत्साह दिखाते हैं और बाकी 10 लोग बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। बाकी 10 लोग आपके कस्टमर बनकर या यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर आपके गैल्वे ड्रीम कॉर्नर के परमानेंट ग्राहक बन सकते हैं। बिजनेस प्रेजेंटेशन में जब आप उन्हें प्रोडक्ट डेमो देते हैं और प्रोडक्ट यूज करके दिखाते हैं तो वह गैल्वे प्रोडक्ट की क्वालिटी से इंप्रेस होते हैं और आपके प्रोडक्ट को एक मौका जरूर देंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी और आपकी कस्टमर सर्विस उन्हें आपके गैल्वे ड्रीम कॉर्नर का परमानेंट ग्राहक बना देगा। अगर ये 10 लोग हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए के भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यानी कि मात्र 10 कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई करके आप अपने 10,000 रुपए महीने के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और याद रखिए, आपको ये काम महीने के पहले 7 दिनों में पूरा करना है, यानी कि महीने के पहले 7 दिन में आपको अपने इन कस्टमर से प्रोडक्ट के ऑर्डर्स भी लेने हैं और इन्हें प्रोडक्ट सप्लाई भी करने हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मुझे सोच के बताइए कि क्या 10,000 रुपए का लक्ष्य मुश्किल है? क्या आपके गैल्वे ड्रीम कॉर्नर को पावर शॉप में कन्वर्ट करना मुश्किल है? मैं जानता हूं कि पावर शॉप की सफलता को लेकर आपकी कुछ शंकाएं हो सकती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक गैल्वे ड्रीम कॉर्नर को एक सफल पावर शॉप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। अगर आप गैल्वे ड्रीम कॉर्नर को एक सफल पावर शॉप, यानी कि एक ऐसी शॉप जो हर महीने कम से कम 10,000 रुपए का बिजनेस करती हो, बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम है आपको गैल्वे प्रोडक्ट के सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम अटेंड करने होंगे। दूसरा, आपको गैल्वे प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना होगा। और तीसरा, आपको पावर शॉप ट्रेनिंग कार्यक्रम अटेंड करना होगा। अगर आप ये 3 काम कर लेंगे तो आपका गैल्वे ड्रीम कॉर्नर 10,000 का नहीं बल्कि 1,00,000 रुपए महीने तक का बिजनेस कर सकता है। चलिए मैं आपको विस्तार से इन 3 के बारे में बताता हूं। इस सेशन के बाद सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप गैल्वे प्रोडक्ट के सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम अटेंड करिए। जब आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे, आपको हर प्रोडक्ट से संबंधित 10 सवालों के जवाब पता होने चाहिए। ये 10 सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल, प्रोडक्ट का नाम क्या है और वो किस लिए है? दूसरा सवाल, इस प्रोडक्ट के मुख्य तत्व क्या हैं और वो क्या करते हैं? तीसरा सवाल, इस प्रोडक्ट की खूबियां क्या हैं और इसे इस्तेमाल करने के बाद किस तरह के फायदे होते हैं? चौथा सवाल, प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से किस तरह से बेहतर है, उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी कीमत कैसी है? पांचवा सवाल, प्रोडक्ट को प्रयोग करने की विधि क्या है? छठा सवाल, प्रोडक्ट की कीमत किस प्रकार न्याय संगत है, जस्टिफाइड है, इसको इस्तेमाल करने की प्रतिदिन कीमत क्या पड़ेगी? क्या प्रोडक्ट के ऊपर इतना पैसा खर्च करना उस प्रोडक्ट से होने वाले फायदे के आगे सही है? सातवां सवाल, इस प्रोडक्ट के टारगेट कस्टमर कौन है, यानी कि यह प्रोडक्ट किस तरह के कस्टमर की जरूरत है? आठवां सवाल, आपकी लिस्ट में इस प्रोडक्ट के
टारगेट कस्टमर कौन कौन है उनके नाम लिखें। नौवा सवाल, क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने यह प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो उनसे पूछकर इस प्रोडक्ट के बारे में उनके अनुभव लिखें। और दसवां सवाल, अगर प्रोडक्ट का डेमो उपलब्ध है तो उसका डेमो कैसे दिया जाता है सीखें। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग और उस प्रोडक्ट के खुद के अनुभव आपके आत्मविश्वास को सातवें आसमान पे पहुंचा देंगे दोस्तों। इसलिए जो पहला काम आपको करना है वो यह है कि आपको गैल्वे प्रोडक्ट के सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने हैं। दूसरा काम जो आपको करना है वो है प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना है। जब आपने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले ली है, ट्रेनिंग के बाद प्रोडक्ट के फीचर जान लिए हैं, और जब आप उन प्रोडक्ट को खुद यूज करते हैं तो आप उन खूबियों को और उनसे मिलने वाले फायदों को खुद अनुभव करेंगे। जब आप गैल्वे प्रोडक्ट की क्वालिटी और फायदों से 100% सेटिस्फाइड होंगे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हम दिल से, ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से इन प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। हम खुद जा जाकर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इन प्रोडक्ट को खरीदने की सलाह देते हैं। हम इन प्रोडक्ट की पर्सनल गारंटी तक ले लेते हैं, क्योंकि यह आत्मविश्वास हमें अनुभव से आया है। तब आप किसी को प्रोडक्ट बेचते नहीं है, तब आप सेल्समैन नहीं होते हैं, आप बस प्रोडक्ट से संबंधित अपने सच्चे अनुभव उनसे शेयर करते हैं। प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाता है। क्या आपने पहले कभी ऐसा किया है दोस्तों? आपने हजारों बार ऐसा पहले किया है। सोच के देखिए, जब आप कोई अच्छी मूवी देखकर आते हैं तो आप क्या करते हैं? सोच के देखिए, अगर आप किसी चाट की दुकान पर गोलगप्पे खाकर आते हैं और वो आपको बहुत पसंद आते हैं तो आप क्या करते हैं? अगर आपको कोई डॉक्टर बहुत पसंद आया है तो आप क्या करते हैं? आप इन सब के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। और आप जिस जिस को जानते हैं, जिस जिस से प्यार करते हैं, उन्हें जा जाकर इनके बारे में बताते हैं, आप इन्हें रिकमेंड करते हैं, आप उनसे अपने अनुभव शेयर करते हैं, और जाने और अनजाने में आप उनकी दुकान चलाते हैं। बस यही काम अब आपको अपने गैल्वे ड्रीम कॉर्नर के लिए करना है। अपने प्रोडक्ट का अनुभव करना है, अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपने प्रोडक्ट के 100% यूजर बनिए। आपको अपने प्रोडक्ट का सेल्समैन नहीं, ब्रांड एम्बेसडर बनना है। आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं है, आपको प्रोडक्ट से संबंधित अपने अनुभव अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और संबंधियों से शेयर करने हैं। प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। अब मैं तीसरे काम पे आता हूं। तीसरा काम है पावर शॉप ट्रेनिंग। यह एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग कार्यक्रम है जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप प्रोफेशनली एक रिटेल शॉप चला सकते हैं। इस क्लास में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कस्टमर से अच्छे संबंध कैसे स्थापित करने हैं, प्रोडक्ट का ऑर्डर कैसे लें, ये कैसे पता लगाएं कि कस्टमर और उसके परिवार को किस तरह के प्रोडक्ट की जरूरत है, प्रोडक्ट का ऑर्डर साइज कैसे बढ़ाएं, यानी एक ही कस्टमर को ज्यादा प्रोडक्ट कैसे बेचें, कस्टमर का रिकॉर्ड कैसे रखें, कस्टमर के सवालों का जवाब कैसे दें, दुकान का हिसाब कैसे रखें, कस्टमर सर्विस क्या होती है और उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, कस्टमर को अपना परमानेंट ग्राहक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, अपने कस्टमर की संख्या को लगातार कैसे बढ़ाना चाहिए, कस्टमर को कंपनी के बाकी प्रोडक्ट के बारे में कैसे एजुकेट करें ताकि वो प्रोडक्ट भी वो खरीदे, क्या करें कि कस्टमर को उधार ना देना पड़े, कस्टमर की शिकायत और सुझाव कैसे डील करें, कस्टमर के ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन कैसे हैंडल करें, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में मिलेंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसको करने के बाद आप एक प्रोफेशनल रिटेलर के रूप में स्थापित हो सकते हैं। तो निष्कर्ष ये है दोस्तों, अगर आप इन तीन कामों को करेंगे, कौन से तीन काम? पहला, गैल्वे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेंगे। दूसरा, अपने प्रोडक्ट के 100% यूजर बनेंगे। तीसरा, पावर शॉप की प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे, तो आपके गैल्वे ड्रीम कॉर्नर को पावर शॉप में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। 100% आपकी शॉप पावर शॉप में कन्वर्ट होगी। अब आप सोचेंगे
कि मैं पावर शॉप की सफलता पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं। एक पावर शॉप चलाकर कितना बिजनेस होगा, मात्र 10,000 रुपए महीना, और हमारा रिटेल मार्जिन कितना है, मुश्किल से 15%। अगर मैं 10,000 को 15% से मल्टीप्लाई करूं तो हमारी ग्रॉस इनकम कितनी हुई, 1,500 रुपए महीना। तो क्या हम 1,500 रुपए महीना कमाने के लिए ये शॉप चला रहे हैं? हमारा खाप तो कम से कम 1,00,000 रुपए महीना कमाने का है, भला वो ये पावर शॉप से कैसे आएगा। गिरीश जी की ये पावर शॉप एक लीनियर इनकम है। जब तक हम लीनियर से लेवरेज इनकम की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक गिरीश जी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। अगर हम चाहते हैं कि गिरीश जी लेवरेज इनकम करें, तो उन्हें अपने बिजनेस का विस्तार करना होगा, यानी कि उन्हें अपनी पावर शॉप का विस्तार करना होगा। बिना लीनियर इनकम के लेवरेज इनकम भी नहीं हो सकती, यानी बिना खुद की पावर शॉप के वो पावर शॉप का विस्तार नहीं कर सकते। इसलिए ये पहला कदम है, खुद की एक सफल पावर शॉप। दूसरा कदम होगा इस पावर शॉप का विस्तार, यानी इस पावर शॉप का एक नेटवर्क खड़ा करना होगा। गिरीश जी को अपनी पावर शॉप का ठीक वैसे ही एक नेटवर्क बनाना होगा जैसे होलसेलर गुप्ता एंड सन्स ने रिटेलर का नेटवर्क बनाया था, और डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर पॉपली ने होलसेलर और रिटेलर का नेटवर्क बनाया था। जब ऐसा होगा तो गिरीश भी लेवरेज इनकम पर शिफ्ट हो जाएंगे, और उसी में छुपा है 1,00,000 रुपए महीना कमाने का राज। इससे पहले कि हम गिरीश जी की पावर शॉप का विस्तार करें, मैं आपको एक बिजनेस मॉडल के बारे में बताता हूं। क्या आपने फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के बारे में सुना है? क्या होता है फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल? फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल दुनिया का सबसे कामयाब बिजनेस मॉडल है, और यह डुप्लीकेशन के सिद्धांत पर, यानी कि नकल के सिद्धांत पर काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर आप किसी भी कार्य प्रणाली या प्रोसेस को हूबहू कॉपी करेंगे तो नतीजे एक जैसे आएंगे। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। हम सब ने नकल शब्द स्कूलों में ही सुना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक स्कूल के क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 80% से ज्यादा नंबर आते हैं? अगर मैं कुछ स्कूलों के अपवाद को छोड़ दूं, तो ज्यादातर स्कूलों में यह संख्या 5 से 7 के बीच में होती है, यानी कि 10 से 15% ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 80% से ज्यादा नंबर आते हैं, और बाकी बच्चे इससे कम नंबर लेते हैं। अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं, अगर हम स्कूल में नकल को लीगल कर दें और सभी बच्चों को क्लास के सबसे होनहार बच्चे की कॉपी से हूबहू नकल करने की छूट दे दें, तब परिणाम क्या रहेंगे? तब परिणाम बिल्कुल उल्टे होंगे। क्लास के ज्यादातर बच्चों के नंबर 80% से ज्यादा आएंगे, कुछ बच्चों के अब भी नहीं आएंगे क्योंकि नकल करने के लिए भी अकल लगानी पड़ती है। स्कूल में तो यह मुमकिन नहीं है, लेकिन जब हमने नकल के इस सिद्धांत को बिजनेस में अप्लाई किया तो दुनिया का सबसे कामयाब और शानदार बिजनेस मॉडल तैयार हुआ, जिसे हम फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल कहते हैं। मैं एक और उदाहरण से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके शहर में 50 हलवाई की दुकानें हैं। इन 50 में से कितनी दुकानें आपके हिसाब से होंगी जिन्हें आप कामयाब कह सकते हैं, जहां हमेशा भीड़ लगी रहती है और वो शहर में प्रसिद्ध है? मुश्किल से 5-7, वही स्कूल वाला अनुपात 10 से 15%। ये अनुपात लगभग हर बिजनेस में, हर क्षेत्र में अप्लाई होता है। चाहे आप वकील उठा लें, चाहे आप डॉक्टर उठा लें, चाहे कपड़े की दुकान उठा लें, किराने की दुकान उठा लें, हलवाई की दुकान उठा लें, आप पाएंगे मुश्किल से 10 से 15% लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, बाकी तो सिर्फ अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आपके शहर की सबसे प्रसिद्ध और कामयाब हलवाई की दुकान कौन सी है, उसका नाम सोचिए। मान लीजिए उस दुकान का नाम है अशोका स्वीट कॉर्नर। इस दुकान में दूर दूर से लोग मिठाई लेने आते हैं, कई लोग तो दूसरे शहरों से भी मिठाई लेने आते हैं। मेरा आपसे सवाल है, अशोका स्वीट कॉर्नर पर इतने लोग मिठाई लेने क्यों आते हैं? आंसर बहुत सिंपल है, उसकी मिठाई की क्वालिटी अच्छी है, कीमत अच्छी है, पैकिंग सही है, साफ सफाई है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा,
ओरिजिनल मिठाई होगी और 50 साल पुरानी दुकान है, लोगों को उस पर भरोसा होगा, उसको काफी अनुभव होगा। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अशोक स्वीट कॉर्नर उस शहर का सबसे प्रसिद्ध हलवाई है। अगर अशोका स्वीट कॉर्नर हमें एक बिजनेस प्रपोजल दे, वो मुझे कहे कि आप सात वाले शहर में मेरे साइज की एक दुकान ले लें, मेरी जैसी फिटिंग करा लें, मैं आपको अपना नाम भी देता हूं, सब कुछ मेरी दुकान का कॉपी कर लें, नकल कर लें, मैं आपको 6 महीने तक अपनी दुकान में ट्रेनिंग दूंगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, मिठाई कैसे बनानी है, क्या कीमत रखनी है, कौन सा सामान यूज करना है, माल भी मैं आपको सप्लाई करूंगा, आप हूबहू मेरी दुकान की वहां पर कॉपी खोल लो और बदले में मुझे 2 चीजें दे दो। नंबर 1, 10 लाख रुपए वन टाइम मेरी फीस, जिसे फ्रेंचाइजी फीस कहते हैं, और दूसरा आपकी जो भी टर्नओवर होगी उसका 5% मैं बतौर रॉयल्टी लूंगा, क्योंकि आप मेरा नाम और मेरा काम दोनों मुझसे ले रहे हैं। अब मेरा आपसे पहला सवाल है, अगर मैं उनका यह प्रपोजल स्वीकार कर लूं और पड़ोस के शहर में जहां पे अशोका स्वीट का बहुत नाम है, अशोका स्वीट के नाम से ही दुकान खोल लूं, तो क्या वो दुकान चलेगी? उत्तर है 100% चलेगी, क्योंकि मैं वो सब कुछ दे रहा हूं जो अशोका स्वीट्स में मिलता है, नाम से लेके काम तक, दाम तक, क्वालिटी तक। आप जो दुकान अशोका स्वीट कॉर्नर के नाम से दूसरे शहर में खोलेंगे, वह अशोका स्वीट कॉर्नर की फ्रेंचाइजी कहलाएगी, और इस बिजनेस मॉडल को दोस्तों फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में सफलता की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपने एक सफल दुकान को हूबहू कॉपी किया है। मैं आपको अपनी बात सिद्ध करने के लिए विश्व प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी मॉडल के कुछ उदाहरण देता हूं। आपने इन सब का नाम सुना होगा। क्या आपने हल्दीराम का नाम सुना है? क्या आपने बीकानेर वाले का नाम सुना है? क्या आपने डोमिनोज पिज्जा का नाम सुना है? क्या आपने मैकडोनल्ड का नाम सुना है? मैकडोनल्ड की शुरुआत 1937 में अमेरिका में एक फूड स्टैंड के रूप में हुई थी। 1950 में पहला सिटिंग रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड ने बनाया था और 1953 में मैकडोनल्ड ने अपनी पहली फ्रेंचाइजी दी थी। आज पूरे विश्व के 117 देशों में मैकडोनल्ड की 37,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी हैं दोस्तों, जहां से उसको रॉयल्टी आ रही है। पूरे विश्व में आपको किसी भी मैकडोनल्ड में 100% डुप्लीकेशन दिखाई देगा, 0 एरर डुप्लीकेशन। अगर आप मैकडोनल्ड की किसी भी फ्रेंचाइजी में जाएंगे, आपको सब जगह एक जैसी फिटिंग, एक जैसा कलर, एक जैसी शोकेसिंग, और तो और उनके हर प्रोडक्ट का टेस्ट एक जैसा मिलेगा। अगर आप मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो भारी भरकम फीस के साथ आपको 12 से 18 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। 100% शुद्ध डुप्लीकेशन में ट्रेनिंग का सबसे बड़ा योगदान होता है दोस्तों, और फ्रेंचाइजी मॉडल लेवरेज इनकम का शानदार उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने आपको फ्रेंचाइजी मॉडल क्यों समझाया? दोस्तों, मैंने आपको फ्रेंचाइजी मॉडल इसलिए समझाया क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल भी लगभग फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा ही है। हमारा बिजनेस मॉडल भी डुप्लीकेशन के सिद्धांत पर काम करता है। अगर आप मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी मॉडल को देखें तो मैकडोनल्ड ने 1950 में अपना पहला सिटिंग रेस्टोरेंट बनाया था जो बहुत कामयाब रहा। इसको मैं बोलूंगा ये मैकडोनल्ड की मास्टर कॉपी थी। उसके बाद मैकडोनल्ड ने जितनी भी फ्रेंचाइजी दी वो इस मास्टर कॉपी की डुप्लीकेट कॉपी थी। फ्रेंचाइजी मॉडल में हमेशा एक मास्टर कॉपी होती है और उसके बाद उसकी जितनी भी फ्रेंचाइजी है वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है। हमारा बिजनेस मॉडल भी डुप्लीकेशन के सिद्धांत पर काम करता है। जब आप गैलवे ड्रीम कॉर्नर खोलते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि उसे कामयाब पावर शॉप में बदलें, क्योंकि जो आपकी कामयाब पावर शॉप है वो आपकी मास्टर कॉपी बनेगी। जब आप अपनी इस पावर शॉप का नेटवर्क बनाएंगे, जब आप अपनी पावर शॉप का विस्तार करेंगे, तो जितनी भी आगे पावर शॉप खुलेंगी
वो इस मास्टर कॉपी की डुप्लीकेट कॉपी होंगी। तो जितनी ज्यादा आपकी पावर शॉप कामयाब होगी, उतनी ज्यादा आपकी नेटवर्क की पावर शॉप कामयाब होंगी। इसीलिए मैं पावर शॉप की कामयाबी पे इतना ज्यादा जोर दे रहा था। याद रखिए दोस्तों, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है और हमारे बिजनेस में ये वर्ड डुप्लीकेशन सबसे ताकतवर शब्द है। ये जगह जगह और बार बार इस्तेमाल होने वाला शब्द है। आपको याद रखना है हमारा बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन 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 और डुप्लीकेशन। तो हमारा बिजनेस भी दोस्तों लगभग फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा है। मैंने लगभग शब्द क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस में और हमारे मॉडल में एक फर्क है। अगर आप मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप एक कामयाब रेस्टोरेंट के मालिक तो बन सकते हैं, मगर आप मैकडॉनल्ड के मालिक की तरह अपने रेस्टोरेंट की आगे फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते, यानी कि आप लेवरेज इनकम नहीं कर सकते। लेवरेज इनकम करने का अधिकार सिर्फ मैकडॉनल्ड के मालिक को है, लेकिन ये सिद्धांत हमारे यहाँ लागू नहीं होता। जब आप गैलवे बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी अपलाइन की एक फ्रेंचाइजी होते हैं। आप अपने अपलाइन के बिजनेस को डुप्लीकेट करते हैं और साथ ही आपको भी ये पावर मिलती है कि आप भी अपनी एक कामयाब पावर शॉप बनाएं और उसके बाद डुप्लीकेशन के सिद्धांत को फॉलो करते हुए अपनी फ्रेंचाइजी आगे दें। यानी हमारे बिजनेस में आप फ्रेंचाइजी लेते भी हैं और फ्रेंचाइजी आगे देते भी हैं, यानी हमारे मॉडल में आपको लेवरेज इनकम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस बात को उदाहरण के साथ समझते हैं। आप सभी ने बिजनेस प्रेजेंटेशन देखी। जो भी आपको इस बिजनेस में लेकर आया है वह आपका इस बिजनेस में स्पॉन्सर कहलाता है और वही आपकी अपलाइन भी है। मान लीजिए कि गिरीश को इस बिजनेस में जनार्दन जी लेकर आए हैं, तो जनार्दन गिरीश जी की अपलाइन है। जब गिरीश जी गैल्वे ड्रीम कॉर्नर खोलेंगे तो एक तरह से जनार्दन जी की पावर शॉप की फ्रेंचाइजी खोलेंगे। जनार्दन जी ने अपनी अपलाइन से अपनी पावर शॉप को कामयाब बनाने के लिए जो कुछ भी सीखा था, जो भी उनके प्रैक्टिकल अनुभव रहे, वो सब कुछ गिरीश जी को पूरे दिल से सिखाएंगे। जनार्दन जी गिरीश जी की पावर शॉप को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। गिरीश जी को कामयाब बनाने के लिए उनकी अपलाइन जनार्दन ने क्या काम किया, उन्होंने गिरीश का हाथ पकड़कर सभी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए, उनका गैल्वे ड्रीम कॉर्नर सेट करवाया, उनकी लिस्ट बनवाई, गिरीश जी के साथ बैठकर विचार कर उस लिस्ट में से 20 नाम निकाले और गिरीश जी को मोटिवेट किया कि अब एक एक दो दो करके इन 20 लोगों को मुझसे मिलाएं ताकि मैं उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकूं। गिरीश जी ने एक एक दो दो करके इन गेस्ट को अपने घर पर आमंत्रित किया, जहां जाकर उनकी अपलाइन जनार्दन ने उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन दी। जो ये 20 गेस्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने आए थे, क्या सबके सब लोग बिजनेस शुरू करेंगे? उत्तर है नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस 20 में से लगभग 10 लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस शुरू करने में रुचि दिखाते हैं, और वास्तव में उनमें से 5 या 6 लोग होते हैं जो एक्चुअली और सीरियसली इस बिजनेस को करते हैं। गिरीश तब तक अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे जब तक उन्हें वो 6 लोग ना मिल जाएं जो उन्हीं की तरह बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं। उन्हें हम अपनी पावर शॉप की फ्रेंचाइजी देंगे, हम उन्हें डुप्लीकेशन के सिद्धांत को फॉलो कराते हुए उन्हें वो सब कुछ सिखाएंगे जो हमारी अपलाइन ने हमें सिखाया था। हम उन्हें कामयाब पावर शॉप बनाने के लिए वो सब कुछ सिखाएंगे जो सिखाना जरूरी है। हमारा मकसद है कि हमें 6 कामयाब योग्य गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करने हैं जो 6 कामयाब पावर शॉप चलाएं। हम इनका हाथ पकड़कर रोज शाम को इन्हें पावर हाउस लेकर जाएंगे और तब तक सारी ट्रेनिंग करवाएंगे जब तक कि वो बिजनेस को अच्छे से सीख ना जाए और खुद भी उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेना ना सीख जाए। याद रखें दोस्तों, आपकी पावर शॉप जितना अच्छा परफॉर्म करेगी,
आपकी ये 6 फ्रेंचाइजी उतना अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आप करेंगे आपकी डाउनलाइन हूबहू वही करेगी। अब गिरीश का अगला लक्ष्य क्या है? गिरीश का अगला लक्ष्य है कि उसको अपनी पावर शॉप की फ्रेंचाइजी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, तभी उसका 1,00,000 रुपए महीना कमाने का खाब पूरा होगा। अब सवाल यह है कि उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं गिरीश ने जनवरी में बतौर गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया और फरवरी के एंड तक आते आते उन्होंने अपने 6 दोस्तों को स्पॉन्सर किया और इन 6 लोगों ने उनके नीचे पावर शॉप खोली। अब इन 6 लोगों ने गैलवे को क्यों ज्वाइन किया? बिजनेस करने के लिए। यानी कि ये भी वो सब कुछ करेंगे जो गिरीश ने किया। ये भी लिस्ट बनाएंगे, ये भी गेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, ये भी उन्हें बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मान लेते हैं मार्च का अंत आते आते ये जो 6 लोग हैं एक एक गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर कर देते हैं, यानी इनके नीचे एक एक पावर शॉप खुल जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गिरीश के नीचे मार्च के एंड तक आते आते कितनी पावर शॉप खुल चुकी हैं? फरवरी में गिरीश के नीचे कुल पुरानी पावर शॉप कितनी थी? 6। उन 6 लोगों ने मार्च में 6 नई पावर शॉप खुलवाई, यानी मार्च के एंड तक 6 पुरानी जमा 6 नई कुल कितनी वर्कशॉप हो गई? 12 वर्कशॉप। अब चलते हैं अप्रैल में, गिरीश के नीचे कुल कितने लोगों की टीम है? गिरीश के नीचे कुल 12 लोगों की टीम है। इन 12 लोगों ने गैलवे बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? इन्होंने भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए ज्वाइन किया। अगर मैं ये मानूं कि हर व्यक्ति अप्रैल में सिर्फ एक एक गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर स्पॉन्सर करता है, यानी कि एक एक पावर शॉप खोलता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अप्रैल में कुल कितनी पावर शॉप खोली? 12। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अप्रैल में गिरीश के नीचे कुल कितनी पावर शॉप का नेटवर्क बन गया? 12 पुरानी पावर शॉप और 12 नई पावर शॉप, यानी कि कुल 24 पावर शॉप। अब आप पिछले 3 महीनों की पावर शॉप की संख्या देखें। फरवरी में कुल 6 पावर शॉप थी, मार्च में 12 हो गई और अप्रैल में 24। जिसका मतलब ये है कि आपकी टीम में अगर हर व्यक्ति हर महीने एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करे, यानी कि एक पावर शॉप खोले, तो हर महीने आपकी पावर शॉप की संख्या डबल हो जाएगी। मगर मैं इस ग्रोथ को प्रैक्टिकल ग्रोथ नहीं मानता। अगर मैं एक बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लूं, अगर मैं मानूं आपके नेटवर्क में शामिल होने वाले डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 25% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका टीम साइज 4 है तो 4 लोग मिलके अगले महीने सिर्फ एक गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर को स्पॉन्सर करेंगे, यानी एक पावर शॉप खुलेगी। अगर आपका टीम साइज 8 है तो 8 लोग मिलके सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, और अगर आपका टीम साइज 12 है तो 12 लोग मिलके सिर्फ 3 लोगों को ज्वाइन कराएंगे। इतनी कंजर्वेटिव अप्रोच मैं लेकर चल रहा हूं। अगर हम इतनी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चलें तो हम ये देखना चाहते हैं कि 10,000 पावर शॉप का नेटवर्क बनाने में कितनी देर लगेगी। उसके लिए आप इस चार्ट को देखिए। मैंने इस चार्ट में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर 3 पार्ट बनाए हैं। पहले आप फर्स्ट ईयर को देखिए। फर्स्ट ईयर में 3 कॉलम है, मंथ, न्यू शॉप और टोटल शॉप। पहले महीने में 4 शॉप है, इसलिए टोटल शॉप कितनी है? 4। दूसरे महीने में 4 लोग मिलकर सिर्फ एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, यानी एक शॉप खुलती है, और दूसरे महीने में आपकी टोटल शॉप कितनी हो गई? 4 पुरानी 1 नई, कुल 5। तीसरे महीने में 5 लोग मिलकर फिर एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं और कुल शॉप हमारी हो जाती है 6। चौथे महीने में 6 लोग मिलकर सिर्फ 2 शॉप खोलते हैं और आपकी कुल शॉप हो जाती है 8। और पांचवे महीने में 8 लोग मिलकर सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, जिसकी वजह से 2 शॉप खुलती हैं, इसलिए कुल शॉप हो जाती है 10।
अगर आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते चले तो आप सेकेंड ईयर में जाइए और फिर थर्ड ईयर में जाइए तो आप पाएंगे 36वें महीने में आपकी कुल शॉप हो जाती है 9,860 और 37वें महीने में आपकी कुल शॉप हो जाती है 12,325। मोटे तौर पे कहूं तो 3 साल में 10,000 पावर शॉप का टारगेट अचीव किया जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हमारे नीचे 10,000 पावर शॉप का नेटवर्क खड़ा हो जाए तो हमारा कितना बिजनेस होगा और उससे हमारी पॉसिबल इनकम क्या होगी, उस पर नजर मारते हैं। इनकम कैलकुलेट करने से पहले मगर मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने एक अजम्पशन ली है कि आपका नेटवर्क 25% से ग्रो कर रहा है। यह परफॉर्मेंस पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकती है। किसी की ग्रोथ इससे ज्यादा हो सकती है और किसी की ग्रोथ इससे कम हो सकती है। ये आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मेरा मकसद सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन दिखाना है। इस उदाहरण से मैं सिर्फ आपको बिजनेस का पोटेंशियल समझाना चाहता हूं। मैं ये अज्यूम करता हूं कि गरीश के नेटवर्क में 3 साल में 10,000 पावर शॉप खुल गई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गरीश का नेटवर्क हर महीने कितने टर्नओवर कर रहा है? अगर हर पावर शॉप हर महीने 10,000 रुपए का बिजनेस करती है तो 10,000 × 10,000 कुल 10 करोड़ का बिजनेस होता है। अब अगर गरीश को इस टर्नओवर का सिर्फ 0.5% भी कमीशन मिलता है तो 10 करोड़ का 0.5% होता है दोस्तों 5 लाख रुपए, यानी गरीश 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे। मैं एक दूसरी एजम्पशन ले लेता हूं। अगर हमारी ये 10,000 पावर शॉप एवरेज 5,000 रुपए का बिजनेस कर रही है तो कितनी टर्नओवर होगी? 10,000 × 5,000 लगभग 5 करोड़ रुपए। अगर गरीश को इस 5 करोड़ रुपए का 0.5% भी कमीशन मिलता है तो गरीश की इनकम होगी 2.5 लाख रुपए। मैं और कंजर्वेटिव चला जाता हूं। अगर ये 10,000 शॉप सिर्फ और सिर्फ यूजर है, यानी कि सिर्फ अपने लिए 3,000 रुपए के प्रोडक्ट ही खरीदते हैं हर महीने, तो भी ये 10,000 शॉप कुल 3 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। और अगर मैं 3 करोड़ का 0.5% कमीशन कैलकुलेट करूं तो वो आता है 1.5 लाख रुपए महीना। दोस्तों, अब आपकी पावर शॉप महीने का 10 करोड़ का बिजनेस करेंगी, 5 करोड़ का बिजनेस करेंगी या 3 करोड़ का बिजनेस करेंगी, क्या आप बता सकते हैं किस बात पे निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपकी खुद की पावर शॉप हर महीने कितना बिजनेस करती है, क्योंकि आपकी पावर शॉप इन सब पावर शॉप की मास्टर कॉपी है। अगर आपकी पावर शॉप 5,000 का बिजनेस करेगी तो आपके एंटायर नेटवर्क में जितनी भी पावर शॉप है वो औसतन 5,000 का बिजनेस करेगी। अगर आपकी पावर शॉप 50,000 का बिजनेस करेगी तो आपके नेटवर्क में जितनी भी पावर शॉप है वो 50,000 का बिजनेस करेगी। इसलिए आपकी खुद की पावर शॉप का बिजनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी मत भूलिएगा कि आपकी पावर शॉप मास्टर कॉपी है और हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये जो 0.5% कमीशन मैंने लिया है, ये मैंने एक औसत के हिसाब से आपको इनकम की गणना करके दिखाई है। वास्तविक इनकम इससे बहुत अलग हो सकती है, ये इससे कहीं ज्यादा या कम हो सकती है। वास्तविक इनकम क्या होगी और इतना ही बिजनेस करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इसके लिए आपको गैलवे मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझना होगा। जब आप उस प्लान को अच्छे से विस्तार में समझेंगे तभी आप इस प्लान के हिसाब से अपना लक्ष्य और कार्य योजना बना पाएंगे। याद रखें, अगर आपको आपके पावर शॉप के द्वारा की गई टर्नओवर पर अधिक से अधिक लाभ चाहिए तो पहले बिजनेस प्लान को विस्तार से समझिए। हालांकि मोटे तौर पर ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप सेम टर्नओवर पर ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला याद रखें और वो फार्मूला है गो वाइड गो डीप, यानी कि ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करें और उनको नीचे डेप्थ तक बढ़ाएं। इसका मतलब है आप ज्यादा डायरेक्ट लेग खोलें और हर लेग को नेटवर्क बनाते हुए डीप करें।
कम से कम 6 लेग बनाएं और हर लेग को रॉयल प्रेसिडेंट बनाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सेम टर्नओवर पर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। इसके साथ मैं आज के इस सेशन को कंक्लूड करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये सेशन क्यों बनाया। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते और जल्दी इसे छोड़ देते हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह है विजन की कमी। वो लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते क्योंकि वो इस बिजनेस का पोटेंशियल नहीं जानते, क्योंकि वो इस बिजनेस की ताकत नहीं जानते। मैंने आपको ये सेशन इसलिए दिया ताकि आप इस बिजनेस की ताकत को समझें, इसके लेवरेज इनकम की पावर को समझें, इसके डुप्लीकेशन की पावर को समझें। क्योंकि जब आपका विजन बड़ा होगा तभी आप इस बिजनेस को एक सीरियस बिजनेस की तरह लेंगे। और मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आप इस बिजनेस को उतना ही सीरियस लेंगे जितना किसी दुनिया के दूसरे बिजनेस को लिया जाता है जहां आपके 20-25 लाख रुपए लगे होते हैं, और अगर आप उतनी ही शिद्दत से इस बिजनेस को करेंगे, ये बिजनेस आपको वो फल दे सकता है जो आपने वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशन में भी आपने नहीं सोचा होगा। जितने भी नए गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, मैं आप सबकी सफलता की कामना करता हूं। पर आपकी सफलता और आपके बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो आप खुद खड़े हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इस बिजनेस में सफलता के लिए आपको 3 चीज चाहिए। पहली चीज है फेथ। जब तक आपको इस बिजनेस पर फेथ नहीं आएगा, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। और फेथ के लिए आपको 2 चीजें करनी है, ट्रेनिंग और अनुभव। 70% फेथ आपको ट्रेनिंग से आएगा और 30% फेथ आपको अनुभव से आएगा। और दूसरी चीज है इस बिजनेस के लिए कमिटमेंट। आपको कम से कम 3 साल के लिए 2.5 से 3 घंटे इस बिजनेस को देने हैं रोज, बिना किसी छुट्टी के। और तीसरी चीज है, इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास एक ख्वाब होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस में फेथ दिखाएंगे, अगर आप इस बिजनेस में कमिटमेंट दिखाएंगे, तो आपका सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ मैं ये सेशन खत्म करता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मां ग्लेज आपके सारे सपने पूरे करें। धन्यवाद।